अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं रिदा संधू। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद खान ने चौक घंटा घर में राहगीरों और मोटर कार सवारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से जारी वीक तकरीबात के तहत फेस मास्क तकसीम किए। फैसलाबाद से मिर्जा हारून की तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम परवेज़ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और MNA ने चौक घंटा घर में रुककर शहरियों और राहगीरों में फेस मास्क तकसीम किए। मौके पर मौजूद बगैर मास्क के अफराद को मास्क पहनने की ताकीद की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पहली दो लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएँ और गैर ज़रूरी घरों से बाहर जाने से गुरेज किया जाए ताकि वायरस से महफूज रहा जा सके। उन्होंने कहा कि शहरी तआवुन जारी रखें ताकि मुश्तरका काविशों से कोरोना की तीसरी लहर को भी शिकस्त दी जा सके। MNA ने कहा कि कोरोना की हालिया लहर के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना की लहर में शिद्दत आ रही है। उन्होंने कहा कि शहरियों को पहले से ज़्यादा एहतियात करना होगी।